हेलो स्टूडेंट्स यूनिक स्टडी आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी एस सेकेंड ईयर बॉटनी के पेपर थर्ड के बारे में जिसका नाम है इकोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग अगर इस पेपर के टाइम की बात करें तो इस पेपर का टाइम है थ्री आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स इसमें है फिफ्टी चलिए सबसे पहले आपको बताते चले कि ये पेपर तीन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है सेक्शन ए में यहाँ पर आपको सोलह एम सी क्यू टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पर क्वेश्चन एक मार्क कैरी करने वाला है यानी कि सोलह मार्क्स का आपका यहाँ पर सेक्शन ए रहने वाला है तो चलिए जल्दी से सेक्शन ए को डिस्कस कर लेते हैं पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एनिमल एंड प्लांट कम्युनिटी कम्स अंडर यानी कि जंतु व पादप समुदाय किसके अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायोटिक कॉम्पोनेंट ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है इन अ फूड चेन इनिशियल ऑर्गेनिजम्स आर तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोटो सिंथेसाइजर्स ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी टू एन इको तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य का प्रकाश और यहाँ पर आपसे चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है पिरामिड ऑफ नंबर फोर पैरासाइटिक फूड चेन इज यानि कि परजीवी खाद्य श्रृंखला का संख्या सूचक पिरामिड होता है तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज इन्वर्टेड यानी कि सदैव उल्टा क्वेश्चन नंबर फाइव में आपसे पूछा गया है इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इन टू हाउ मैनी फ्लोरिस्टिक रीजन्स ओके तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्स ओके क्वेश्चन नंबर छः में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ क्लाइमेटिक फैक्टर यानी कि निम्न में से कौन जलवायवीय कारक नहीं है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सॉइल यानी कि मृदा सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस यानी कि निम्नलिखित में कॉन ग्रीन हाउस गैस है ओके तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सी ओ टू क्वेश्चन नंबर एट में आपसे पूछा गया है ब्लैक फूट डिजीज अपियर्ड इन बेंगाल ड्यू टू दॉल्यूटेंट यानी कि काला खाना रोग ओके बंगाल में किस प्रदूषण के कारण दिखाई दिया ओके तो यहाँ पर इसके ऑप्शन हैं ये चार इसके ऑप्शन है यहाँ पर और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अर्सैनिक क्वेश्चन नंबर नौ में आपसे पूछा गया है ट्रांजिशन जोन बिटवीन दी कम्युनिटीज इज़ कॉल्ड तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इकोटोन ओके इकोटोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन में आपसे पूछा गया है इन रिमोट सेंसिंग स्टडीज़ आर मेड ओके तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम डिस्टेंस ओके तो यहाँ पर आपसे ग्यारहवें क्वेश्चन में पूछा गया है द लोएस्ट पॉइंट अंडर द फैट ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड ठीक है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नादिर पॉइंट ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ फोटोग्राफिक इमेज इज़ नोन एज ओके तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फोटोग्रामेट्री ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन यानी कि क्वेश्चन नंबर तेरह में आपसे पूछा गया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज सिचुएटेड एट ओके तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद ओके क्वेश्चन नंबर चौदह में आपसे पूछा गया है इन 1992 अर्थ समिट हेल्ड एट यानी कि उन्नीस में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजील ओके क्वेश्चन नंबर पंद्रह में आपसे पूछा गया है द बीओडी ऑफ रिवर इज़ हाई इट मींस दैट रिवर इज़ यानी कि यदि नदी की बीओडी अधिक है तो नहीं सॉरी यहाँ पर नदी होना चाहिए है ना? यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हो गया है यदि नदी की बी अधिक है तो नदी यहाँ पर तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेरी पोल्यूटेड ओके क्वेश्चन नंबर सोलह में आपसे पूछा गया है न्यूमेटोफोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओके okay? यानी कि न्यूमेटोफोर्स विशेषता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हेलोफाइट्स यानी कि हेलोफाइट की हेलो सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर आपको सात शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं और पर क्वेश्चन टू मार्क्स कैरी करने वाला है यानी कि फोर्टीन मार्क्स का ये सेक्शन आपको यानी कि सेट किया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए यानी कि प्राथमिक उत्पादता को यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में और थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में आपको समझाने के लिए चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन इन हिमालयन रेजी यानी कि हिमालयन रीजन में आपको सॉइल uh, इरोजन के बारे में समझाने के लिए पूछा गया है ओके okay. ठीक है तो यहाँ पर आपसे पाँचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास पाँचवें क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेस प्लेटफॉर्म के बारे में ओके और छठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सी बी डी के बारे में और सातवें क्वेश्चन में फिनोलॉजी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है फिनोलॉजी यानी कि ऋतु जैविकी ओके सेक्शन सी में यहाँ पर आपको एनी फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और पर क्वेश्चन यहाँ पर जो आप अटैम्प्ट करेंगे वो फोर मार्क्स कैरी करने वाला है यानी कि फाइव इंटू फोर इक्वल टू ट्वेंटी यानी कि ट्वेंटी मार्क्स का आपका ये सेक्शन रहने वाला है तो चलिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है डिफाइंड पॉपुलेशन इकोलॉजी डिस्कस ब्रीफली वेरियस कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ प्लांट पॉपुलेशन ओके तो यहाँ पर आपको ये पूछा गया है पहले क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राइट इन डिटेल द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इकोलॉजी ओके थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वट इज ग्लोबल वार्मिंग वट आर दी कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट ऑन बायोलाइफ़ ओके ठीक है और यहाँ पर आपसे चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है वट इज़ अ कम्युनिटी एक्सप्लेन क्वांटिटिव एक्सप्लेन क्वान्टिटिव कैरेक्टर्स ऑफ आर कम्यूनिटी ओके पाँचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ इज़ बायोडाइवर्सिटी वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बींग एक्सप्लेन इन डिटेल ओके और छठवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो छठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल साइकिल्स आर फाउंड इन नेचर एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर यहाँ पर आपको uh, पहले तो आपको यहाँ पर जितनी भी टाइप्स की बायोकेमिकल साइकिल प्रेजेंट होती है उनके बारे में एक्सप्लेन करना है और उसके बाद इन पर्टिकुलर आपको यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है सातवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज सक्सेजन और उसी के साथ जोड़ा गया है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द सिक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ अ टिपिकल हाइड्रो हाइड्रोसेर ओके और अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की आ तो आठवें क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है वट डू यू मीन बाई एनर्जी फ्लो डिस्क्राइब एनी एनर्जी फ्लो मॉडल ओके तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सेक्शन सी में क्वेश्चन देखने को मिले लॉन्ग आंसर टाइप में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर हाँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दें क्योंकि हम आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय सिया